प्रदेश सरकार और प्रशासन लगातार मिलावटखोरों पर अंकुश लगाने में प्रयासरत है। इस कड़ी में पलवल के शेखपुरा मोहल्ले में दूध की एक डेयरी पर फूड एंड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद की टीम ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की। दूध, घी, खोवा, पनीर के सैंपल भरे और जांच के लिए चंडीगढ़ भेजे। शादी समारोह के सीजन के चलते दूध सहित अन्य उत्पादों में मिलावटखोरी की शिकायतें सामने आ रही हैं। इन शिकायतों को लेकर फूड एंड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद की टीम ने पलवल के शेखपुरा मोहल्ले में दूध की आधा दर्जन डेयरियों पर छापामार कार्रवाई करने पहुंची। फूड एंड सेफ्टी विभाग इंस्पेक्टर सचिन शर्मा की अगुवाई में टीम ने दूध की डेयरी पर सैंपल भरने का काम किया। टीम को देखते ही शेखपुरा बाजार में हड़कंप मच गया और आनन फानन में कई दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर गायब हो गए। फूड एंड सेफ्टी विभाग के इंस्पेक्टर डॉक्टर सचिन शर्मा ने बताया कि टीम ने शेखपुरा रोड पर एक दुकान पर छापामार कार्रवाई की है। डेयरी में मौजूद पनीर, घी, दूध और खोए के सैंपल भरे गए हैं। उन्होंने कहा, सैंपल चंडीगढ़ भेजेंगे, वहां से रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि 300 रुपये किलो बिकने वाले गुलाब जामुन 100 रुपये किलो पलवल के बाजार में बेचे जा रहे हैं। कीमत से अंदाजा लगाया जाता है कि बिना मिलावट के ऐसा करना बेहद मुश्किल है। ऐसे में जब छापामार टीम द्वारा बाजार पहुंची तो दुकानदार अपनी दुकानों को बंद करके वहां से चंपत हो उठे। आज गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शेखपुरा में यहाँ राणा डेयरी पे हमने आज आके निरीक्षण किया है, जिसके अंदर से हमें पनीर, खोआ, घी और दूध मिला है और जिसके सैंपल हमने अभी ले लिए हैं यहाँ से और आगे चंडीगढ़ भेजेंगे इनको इसकी रिपोर्ट के लिए। सर बताएंगे, इस रोड पे बोर्ड लगे हुए हैं 75 रुपये किलो रसगुल्ला, 100 रुपये किलो गुलाब जामुन, क्या ये पॉसिबल है बिना मिलावटखोरी के भेजना? अब ये तो हम जब ये दुकान जो बोर्ड आप बता रहे हो, फिलहाल ये दुकान बंद है, तो इसके खिलाफ भी जल्द ही कार्रवाई करेंगे। आके देखेंगे किस तरह से ये रसगुल्ले बना रहे हैं जो इतने कम रेट के अंदर ये लोगों को बेच रहे हैं, या फिर क्या पता दिखावटी रेट है या बेचने के क्या रेट है, कुछ समझ में अभी तभी पता चलेगा जब यहाँ पर आएंगे और इसके जब निरीक्षण करेंगे। तो सैंपल भर लिए गए हैं कार्रवाई? सैंपल ले लिए गए हैं, 4 सैंपल लिए हैं, दूध का लिया है, घी का, खोए का और पनीर का, और अब इन सैंपल्स को चंडीगढ़ भेजा जाएगा। तो कितने समय में रिपोर्ट आती है और क्या कार्रवाई इनके खिलाफ की जाती है? रिपोर्ट लगभग 2 हफ्ते का टाइम रिपोर्ट आने में लगता है, और जिस तरह की रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार हमारे जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है उसके हिसाब से कार्रवाई बनेगी इनके ऊपर। उसमें जुर्माना भी है और उसमें सजा का प्रावधान भी है। तो मिलावटखोरी को लेके कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? हाँ, ये कार्रवाई हमेशा चलती रहेगी। अभी जैसे शादियों का सीज़न है तो इस, या फिर कोई फेस्टिव सीज़न होता तो ऐसे में ज़्यादा चांसेज हो जाते हैं मिलावटखोरी का, तो ये तो हमारी पूरे साल कार्रवाई चलती रहती है। बस सीज़न टू सीज़न डिपेंड करता है कि किस टाइम पे किस चीज़ की मिलावटखोरी ज़्यादा होने के चांसेज है, उसी के अनुसार हम लोग अपनी कार्रवाई करते हैं। किस तरह के नुकसान इस तरह के मिलावटखोर के सामान खाने पे लोगों को होते हैं? नुकसान तो काफ़ी हद तक ज़्यादा भी नुकसान है, वो उस पर निर्भर करता है कि किस तरह की मिलावट है, क्या केमिकल, क्या पाउडर और आप किस तरीके से क्या चीज़ बना रहे हो। नुकसान और फ़ायदे तो उसके अनुसार ही हम बता पाएंगे कि रिपोर्ट में क्या केमिकल आया है और उसके क्या क्या फिर स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ते हैं। लंबे समय तक अगर खाया जाए तो जानलेवा भी होती हैं कुछ चीज़ें, जो लंबी बीमारियां भी जिससे हो जाती हैं, तो वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाएंगे किस तरह का क्या सामान था।